यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसमें एलियन बैठ के धरती पे आते हैं। ये सबसे कॉमन एलियन की फ्लाइंग मशीन है, जिसमें एलियन कई लाइट ईयर्स का सफर करके हमारी पृथ्वी पे आते हैं और कई लोगों को ये दिखते भी हैं और कुछ लोगों को तो अगवा करके भी ले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक ही प्लेनेट से आते हैं, क्योंकि इनके एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बिल्कुल सेम होता है जैसे अपने पृथ्वी के प्लेन्स होते हैं, सबका एक ही तरह का ब्लूप्रिंट होता है। दोस्तों, ये यूएफओ पॉपुलर हुए थे 1940s से लेकर 1950s के बीच, जिनको पॉपुलरली हम जानते हैं फ्लाइंग सॉसर या फिर फ्लाइंग डिस्क। और इसी दौरान दोस्तों 1944 में एक अमेरिकन डच आर्टिस्ट अलेक्जेंडर वाइगर ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नाम दिया था डिस्कॉप्टर और इसे पेटेंट भी करवाया था। सो दोस्तों, आज इस वीडियो को पूरा देखना और हम जानते हैं यूएफओ नहीं डिस्कॉप्टर की पूरी स्टोरी। ये कहानी है एक फॉरगॉटन जीनियस की, जिसको आज के दौर में मॉडर्न लियोनार्डो दा विंची भी कहते हैं, जिनकी यूएफओ लाइक इन्वेंशन बिल्कुल एक प्योर साइंस फ्रिक्शन थी। ये है अलेक्जेंडर वाइगर। वाइगर का जन्म हुआ था 1901 में डच ईस्ट इंडीज में, और जब वो टीनेज में थे वो यूरोप गए अपनी इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए, और जब वो बड़े हुए वो यूएस गए स्कल्पटिंग की पढ़ाई के लिए। जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने वाला था, वाइगर सेटल्ड हो गए थे कारमेल कैलिफोर्निया में। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें बनाई जो कि रिसाइकल्ड मटेरियल की होती थी। जो चीज़ एक आम आदमी को वेस्ट लगती थी, वाइगर उसमें भी एक बहुत ही क्रिएटिव चीज़ बना देते थे। यही क्रिएटिविटी की वजह से दूर दूर से लोग उनकी चीज़ों को देखने आते थे। अलेक्जेंडर वाइगर ने यूएफओ का डिज़ाइन पेटेंट करवाया था 1944 में, और आपको डिस्कॉप्टर का डिज़ाइन गूगल की साइट में आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अलेक्जेंडर वाइगर ने एक ऐसा डिज़ाइन किया था जो कि बहुत ही स्टेबल और बहुत ही एग्जॉटिक एयरक्राफ्ट था, डिस्कॉप्टर। अलेक्जेंडर वाइगर ने बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइन किया था फ्लाइंग सॉसर को, और हर एक चीज़ बहुत ही करेक्टली एक्सप्लेन किया था। वाइगर सोचते थे ये फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग मशीन आगे चल के बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। इसके पास एबिलिटी थी वर्टिकल टेक ऑफ करने की, जो कि बहुत ही स्मूथली और आसानी से हवा में उड़ सकता था, और इसका एरोडायनेमिक इतना ज़्यादा स्टेबल था कि इंजन ऑफ होने पर भी ये बहुत स्मूथली लैंड कर सकता है कहीं पे भी। अगर हम कंपेयर करें हेलीकॉप्टर से, और उन्होंने ये भी सोचा था कि फ्यूचर में इसका यूज बहुत ही ज्यादा कॉमन होने वाला है। वाइगर ने डिस्कॉप्टर का पेटेंट 1944 में कराया था और कई बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचने की कोशिश भी की। जैसे जैसे डिस्कॉप्टर फेमस होने लगा, वाइगर को लगा कि यूएस मिलिट्री ने उसका आइडिया चुरा लिया है, जो कि एक आरोप है अलेक्जेंडर वाइगर ने यूएस मिलिट्री पर लगाया था। वो यूएस मिलिट्री ने साफ डिनाई किया था, लेकिन वाइगर्स के पास जो एविडेंस थे वो साफ बोल रहे थे कि वाइगर बिल्कुल सच कह रहे थे। उनके फ्लाइंग सॉसर का पेटेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। कई सारे आर्किटेक्चर्स, कार, मूवीज हर जगह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। कई सारी मूवीज़ में हुआ जिसमें ये दिखाया जाता था कि एलियन इसमें बैठ के आ रहे हैं। सैड बट ट्रू, डिस्कॉप्टर कभी भी रियलिटी नहीं बन पाया। इतना स्टेबल एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर कभी भी हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, और इसको एक एलियन फ्लाइंग सॉसर बोलने लगे हम। एरिया 51, जो कि एक ऐसी थ्योरी है कि अमेरिका को वहाँ पे फ्लाइंग सॉसर दूसरे प्लेनेट से मिले हैं, या फिर बात कुछ और ही है, क्या अमेरिका इस फ्लाइंग सॉसर को बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये डिस्कॉप्टर का जो एक सीन क्रिएट कर रखा है पूरी दुनिया में कि इस डिस्कॉप्टर में एलियंस बैठ के आते हैं और सिर्फ अमेरिका में ही दिखते हैं, एक्चुअल में ये एक एरोडायनेमिक डिज़ाइन है जिसको अलेक्जेंडर वाइगर ने क्रिएट किया था। कई सारे लोगों और यूएस मिलिट्री ने इसको एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्रियस एलियन एयरक्राफ्ट कहा है, क्योंकि अगर आप टाइम को देखें 1940 से लेके 1950 के बीच
तब आप ये नोटिस करेंगे कि ये फ्लाइंग सॉसर का पेटेंट भी उसी टाइम हुआ था और उसी टाइम इस यूएफओ ने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लोगों ने असलियत में इसी शेप के फ्लाइंग सॉसर देखे हैं या फिर ये सब उनकी एक मनगढ़ंत कहानी होती है? क्योंकि हमारे दिमाग में यही बैठा हुआ है, एलियन फ्लाइंग डिस्क में आते हैं। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।